Hey guys, welcome back to our new vlog. और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज मैं जा रही थी मेट्रो से कहीं, और यहाँ पे जो भी मैंने व्लॉगिंग करी इतना ज़्यादा शोर था ट्रैफिक का कि मेरी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो उसके लिए रियली वेरी सॉरी. और हम आगे बढ़ते हैं और सीधे जब मैं घर पहुँच गई थी तब से स्टार्ट करते हैं. तो गाइज, मेट्रो में जब थी तो मैंने थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करी थी. उसके बाद दीदी आ गए थे जिनके साथ मुझे कहीं जाना था. और अगर कोई इस सब चीज़ को नहीं जानता, मतलब मुझे नहीं पता उनको ठीक लगेगा कि नहीं लगा, तो अभी मैंने वो फिर रिकॉर्डिंग रोक दी थी वहीं पे. और मैं वापस घर भी आ गई थी 7 बजे तक. उसके बाद अब हमने दोबारा से घर में जो फैलाव अभियान है वो समेटना शुरू किया है. और उसके प्रथम चरण में आधा घंटा मैं ऑलरेडी बर्बाद कर चुकी हूँ यूट्यूब पे वीडियोस देख करके. नन्नी ने बनाई है चाय और चाय के साथ मैंने बनाए हैं पकौड़े. तो हमने सोचा आज ही सब चीज बना के खा डालेंगे. तो ये जो व्लॉग है ये सेकंड व्लॉग है आज संडे का. दोस्तों मेहनत देख रहे हो, मेहनत. और अभी तो क्या क्या बचा है जिंदगी में, मतलब आज संडे को खत्म होने से पहले. अभी तो 9 भी नहीं बजे रात के, आपको दिखाती हूँ क्या बनाया हमने. तो गाइज ये तो है नन्नी का इवनिंग, लेट इवनिंग ब्रेकफास्ट. नन्नी कुछ देख रही है, उसने अपने लिए नन्नी ने अपने लिए 2 ब्रेड सेके हैं और मैंने तो बनाई थी पकौड़ियाँ, तो नन्नी थोड़ी पकौड़ी भी खा रही है. और ये चाय तो ये स्नैक ने नहीं, ये डिनर ही हो गया. इसके बाद तो डिनर करेगी क्या? नहीं. हाँ नन्नी, थैंक यू. इसी के साथ आप कीजिए लड्डू राधा मुरली और गणेश जी के दर्शन. नहा धो के बैठे हैं, श्रृंगार नहीं किया है आज. ये भी पी रहे हैं चाय और ये अपना स्नैक्स खा रहे हैं ये भी. अब बढ़ते हैं आगे. तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आलू के पकौड़े हैं और ये थोड़ा सा ब्रेड मांग के जिया से, वो बेसन बच गया था तो मैंने वो ब्रेड का भी कुछ बना दिया तल तुल के, पता नहीं क्या बना. ये मेरी चाय और ये मेरी चटनी. तो गाइस बात ऐसी है, सब लोग गए हैं घूमने, हम रह गए यहीं, छूट गए हम. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, पल्लू लोग भी गए हैं, रजनी लोग भी गए हैं, हम ही रह गए, तो हम व्लॉग ही कर लेते हैं. अब मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ. अब सीधे मैं करूँगी कल व्लॉगिंग, अब कोई व्लॉगिंग नहीं होगी. और आयना का जो भी प्रोजेक्ट वगैरह जो कुछ भी है, मतलब अब हम सीधे आपसे मिलेंगे कल. और मतलब ये व्लॉग तो वैसे भी आएगा, जो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ आएगा ये व्लॉग ट्यूसडे को. तो ठीक है दोस्तों, अब बाकी की जो व्लॉगिंग है वो करेंगे मंडे को. ठीक है, मंडे को आप देखोगे संडे वाला व्लॉग, ट्यूसडे को आप देखोगे संडे इवनिंग और मंडे वाला व्लॉग. तो इससे ज़्यादा अगर मैंने कन्फ्यूज आपको किया तो उससे पहले मैं ही कन्फ्यूज हो जाऊँगी. तो अब मैं कोई व्लॉगिंग नहीं करूँगी. 9 बज चुके हैं, मुझे कपड़े भी धोने हैं, कपड़े धोने का थोड़ी ना व्लॉग करूँगी. उसके बाद मुझे थोड़ी देर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने का भी कोई व्लॉग नहीं करूँगी, डिस्टर्बेंस होती है ना दोस्तों. तो बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हम आपसे मिलते रहें. तो गाइस मैं गई हुई थी ITO अपने कुछ ऑफिशियल काम से और बहुत ही ज़रूरी काम था. मेरा बिल्कुल मन नहीं था यहाँ पे मैं व्लॉगिंग करूँ, बट मुझे ये ब्रिज इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया. बट अगेन दिल्ली में इतना ट्रैफिक है कि क्या करें, मेरी तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी. मैंने व्लॉगिंग पूरी जो करी है फिर वापस अभी वॉइस ओवर किया बिकॉज कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, सिर्फ गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी. तो मैंने यहाँ पर व्लॉगिंग की और ITO में ही एक ऑफिस में मुझे जाना था, सरकारी दफ्तर में जाना था दोस्तों. तो मैं वहाँ गई और काम किया. यहाँ पे जो मंदिर है हनुमान जी का, मैं उसी के बारे में बात कर रही थी. बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है लेकिन फिर भी मैं भी दर्शन करूँगी और आप सबको भी कराऊँगी.
जय बजरंगबली हनुमान। अंदर से तो नहीं जा रही मैं, यहीं पर से दर्शन करा सकती हूँ आपको। शॉर्टकट के चक्कर में ज़िंदगी में क्या क्या करना पड़ता है, ये कहाँ कहाँ से निकल गया। ठीक है, थोड़ी छाया भी थी यहाँ पे, और प्लस पॉइंट ये है कि मेरे बिल्कुल ठीक सामने ही मेट्रो का गेट है, और ये और दूसरे गेट कहाँ हैं मेरे को दूर दूर तक इसका कोई इल्म नहीं है। इस वजह से फिर मैं जिस रास्ते गई थी उसी रास्ते शराफत से वापस आ गई। तो ज़्यादा दिमाग मैंने लगाया नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी में दिमाग वैसे ही नहीं चल रहा। ऊपर से जो थोड़ा बचा है वो भी मैं इस बात पे लगा दूँ कि दूसरे गेट ढूंढती फिरूँ। तो दोस्तों, अब मैं बैठती हूँ ज़रा मेट्रो में, उसके बाद मुझे लग रहा है अब आपसे मैं घर जाके ही मिल पाऊँगी, क्योंकि मेट्रो में आप क्या देखेंगे, लोगों को देख के क्या करेंगे आप। हमारे ब्लॉग देखिए, बातें करिए हमसे, बातें सुनिए, और बस और क्या कह सकती हूँ। जाते जाते एक बार आपको दिखा देती हूँ कौन से मेट्रो गेट की बात कर रही हूँ मैं। इधर पर एक मूर्ख से मैंने रास्ता पूछा, लेकिन मैं उसको मूर्ख नहीं कह सकती, उसने मेरे को बहुत ही पोलाइटली बात की थी। हुआ क्या था कि उस बेचारे को पता ही नहीं था, और मैं भी उसको कोई गवर्नमेंट ऑफिसेस का एड्रेस पूछ रही हूँ, किससे पूछ रही हूँ, वो बेचारा शू पॉलिश करने वाले से। तो वो मूर्ख नहीं, मूर्ख तो मैं ही कही जाऊँगी, क्योंकि एक सही अगर कोई और चीज़ पूछ रही होती कि वो मार्केट कहाँ है, वो कहाँ है, तो मुझे बता ही देता। फिर भी उसने मुझे थोड़ा बहुत बता ही दिया। जिसकी कोई हद ही नहीं होती है। जो पुल मुझे बाहर पे दिख रहा था, मैं कहती है मैं यहाँ से होते हुए जा रही हूँ, अगर मैं उस पुल के ऊपर से आती तो सीधा मेट्रो स्टेशन के अंदर ही पहुँचती। खैर, आप कुछ नहीं कर सकते मेरी मूर्ख। कहाँ लगेगा, 29 रुपये है भाई, कौन हो जाएगा। और मुझे जाना है द्वारका सेक्टर 31 की ओर, और लिफ्ट भी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, लिफ्ट यहाँ पे है, लेकिन मैं लिफ्ट से नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी स्टेयर्स से, हेल्थ बनाऊँगी मैं। इतनी भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते लोग। दोस्तों, इसके साथ में एक बात आपको बता दूँ कि ये थर्ड ब्लॉग है जो मैंने रिकॉर्ड, ऑलमोस्ट मेरा एक ब्लॉग कंप्लीट है, मतलब शाम को तो आपसे मैं मिलूंगी। मतलब ये तीसरा ब्लॉग होगा जो बनेगा तो सही, और जो एडिट नहीं हुआ, इससे पिछले दो बने हुए हैं और एडिट नहीं हुए थे। तो ये तो जो मेट्रो है ये जा रही है वैशाली, लेकिन मुझे तो जाना है इस वाली पे, यानी कि मुझे जाना है जनकपुरी। और दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं मेट्रो में बैठी हुई हूँ कि मुझे प्रगति मैदान जाना है, और यहाँ पता चल रहा है कि प्रगति मैदान का नाम ही चेंज होकर के सुप्रीम कोर्ट हो गया। अगर मैं ये सोचती जाती कि सुप्रीम कोर्ट, अरे जा रही थी मेट्रो बैठी हुई है, बैठ क्यों नहीं रही, जाएगी। यार, ये जो दीमक होती है ये मैंने लकड़ियों पे लगती है तो सुना था, देखा भी था, ये हमारे ऑफिस की दीवार पे कैसे लग गई, ये देखो, इसने तो पेड़ ही बना दिया। मैं रोज खुरचती हूँ, और जब मैं आती हूँ देख दिखाती हूँ निशान, यहाँ तक बनी हुई थी पहले, ये खुरच के मैंने हटाई है यहाँ से, अभी फिर यहाँ तक फिर बना दी है। ये कैसी दीमक है, ये क्या खाती है इस दीवार पे टाइल्स में से,